लेट अस नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन. इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि जब हम कंपनी को बनाते हैं, वेदर इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, तो द कंपनी हैज टू गो थ्रू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. और जो पहला था वो था हमारा प्रमोशन. प्रमोशन मतलब प्रमोट दैट आइडिया. And it is a very first step to form a company. Those who promote, जो इस कंपनी को प्रमोट करते हैं, उनको हम लोग प्रमोटर्स कहते हैं. दे आर ऑल्सो ओनर्स, बट उनका जो ओनिंग राइट होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द शेयर्स दे वुड बी होल्डिंग इन द लेटर स्टेजेस. उनका जो राइट होता है, अगर उनके पास कंपनी का 50% शेयर है, 50% दे हैव टेकन फ्रॉम द पब्लिक, तो 50% उनका राइट होता है. बट दे आर द वन जो कि एक आइडिया को बनाते हैं, या फिर उनके दिमाग में आता है, या वो लोग कहीं जाते हैं वहां से दे ट्राई टू फाइंड आउट. दे आर द वन हु विल बी डूइंग द फीजिबिलिटी स्टडीज, द इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, द टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी. दे आर द वन हु विल थिंक ऑफ अ नेम एंड दे आर द वन हु वुड बी प्रिपेयरिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. ये उनका होता है. एंड उनमें से कौन डायरेक्टर बनना चाहता है, किसको दे वॉन्ट टू, उसको दे हैव टू गिव द पर्सन हैज टू गिव इन राइटिंग कि यस मैं डायरेक्टर की पोस्ट को लेने के लिए तैयार हूँ. और उसके लिए जो मिनिमम मुझे शेयर्स रखने होंगे या कैपिटल सब्सक्राइब करना होगा, दैट आई वुड डू. द सेकेंड स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके फर्स्ट स्टेज में, मैंने उस दिन भी आपको बताया था दैट इन फर्स्ट स्टेज यू नॉर्मली हैव द क्वेश्चन ऑन फीजिबिलिटी स्टडीज. एक आता है हु आर प्रमोटर्स एंड सेकेंड आता है आपके फीजिबिलिटी स्टडी. लेकिन जो इनकॉर्पोरेशन है, इसके आपके स्टेप्स आपको लिखने के लिए भी आते हैं. मतलब दिस पर्टिकुलर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनकॉर्पोरेट हम कैसे करते हैं, तो नाउ लेट अस मूव टू द इनकॉर्पोरेशन. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आपने पहले जो है यू हैव प्रिपेयर्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स. नाउ व्हाट यू विल डू, अब आपको रजिस्टर करना है कंपनी को अंडर द कंपनी एक्ट 2013. ये तो आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और अपने कंपनी का एक नाम ले लिया है, बट नाउ यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड, यानी कि आपको अपने कंपनी को पैदा करना है. यू हैव टू गिव बर्थ टू योर कंपनी. इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है गिविंग द बर्थ टू द कंपनी इन द आईज ऑफ द लॉ. अभी तक तो सिर्फ कागज में आपने लिख के रखा है, अब आपको उसे एक शक्ल देनी है. सो नाउ वॉट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी मेकिंग एन मतलब कि आप एक एप्लीकेशन बनाओगे जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऑथराइज कैपिटल. यानी कि ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है, आप कितना जो हो शेयर्स के थ्रू इश्यू करने वाले हो. एंड हु विल बी द प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, उसका कंसेंट. इन सब की आप लोग मतलब कि यू विल बी मेकिंग 3 कॉपीज एंड यू हैव टू रजिस्टर, यू हैव टू सेंड इट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद दीज डॉक्यूमेंट्स. तो पहले आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए, अब आप उसको भेजोगे. नेक्स्ट आपका आएगा दैट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट डायरेक्टर्स हैव सम स्टेक इन द प्रपोज कंपनी, दे आर रिक्वायर्ड कि आपके पास कितने शेयर्स होने चाहिए. और उससे पहले आपकी कंपनी को 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, वन इज कमेंसमेंट एंड दूसरा इज इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, बट नॉट द प्राइवेट कंपनी डजेंट रिक्वायर द सेकेंड वन. तो पहले आप इनकॉर्पोरेट करते हो, तो वॉट आर क्वालिफिकेशन शेयर्स, दैट मीन्स क्वालिफाई करना, यू आर क्वालिफाइंग योर सेल्फ टू बी द डायरेक्टर. तो आप डायरेक्टर कैसे बनोगे,
जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो यू नीड टू पास MBBS, यू वॉन्ट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू वॉन्ट टू बिकम अ, आपको CA पास करना है, टू बिकम अ डायरेक्टर इन द कंपनी यू नीड टू हैव सर्टेन शेयर्स, और उसको हम बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स। फिर आप पार्ट टाइम में रहना चाहते हो, होल टाइम में रहना चाहते हो, कंसल्टेंट रहना चाहते हो, आपकी कंपनी को जो नाम दिया गया, आपका एग्जैक्ट एड्रेस एंड स्टेचुएटरी, मतलब लीगल, स्टेचुएटरी का मतलब होता है लीगल डिक्लेरेशन दैट योर कंपनी, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, एवरीथिंग इज करेक्ट। ये सारी चीजें लेकर आप रजिस्ट्रार के ऑफिस जाते हो, वहां पर अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स आपकी कंपनी को कुछ फीस जमा करना पड़ता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी को कितना बाहर से, अगर आपका प्राइवेट कंपनी है तो यू हैव 200 मेंबर्स एज अ शेयर होल्डर्स, तो आप उनसे कितना कितना पैसा लोगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी कंपनी का फीस जमा होता है। तो यू हैव नाउ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, यू हैव ऑल द, आपने फीस दे दी है। द रजिस्ट्रार, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, अभी जो आने वाला है, फिफ्थ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी विल, सबसे पहले वो क्या करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा, पढ़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, एंड देन ही वुड बी गिविंग दी, अपना जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा। अब ये जो पेपर में आता है, दिस इज द वन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब इन द आईज ऑफ द लॉ योर कंपनी इज बॉर्न, इट इज द बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी जो कंपनी है एज पर लॉ इट हैज बीन बॉर्न, चाहे आप उसमें काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो काम मतलब कि वेदर इट इज इन, वेदर इट इज एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, आपने कंपनी बना दी है, आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्ट्रार इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इट इज डेटेड एंड साइंड बाय द रजिस्ट्रार, द मोमेंट द सर्टिफिकेट इज इश्यूड द कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बर्थ सर्टिफिकेट। अब इसका क्या इफेक्ट है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन जो नॉर्मली कोई भी स्कूल मिस नहीं करता, इट डेफिनेटली कम्स 100%। अ कंपनी, अब आपकी कंपनी जो है इट हैज बीन गिवन द बर्थ, पैदा हो गया आपका कंपनी पेपर पर, राइट? अ कंपनी इज सेट टू बी लीगली बॉर्न ऑन द डेट प्रिंटेड ऑन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इट बिकम्स अ लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन ऑन सच डेट, इट कैन लीगली एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स और आफ्टर दिस डेट, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लीगल एग्जिस्टेंस। बट होता क्या है, मतलब एक बार मतलब ये हो ना, सलमान खान का जो एक डायलॉग है, एक बार जो मैंने मतलब कि सोच लिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये यहाँ पर दैट विल बी अप्लाइड। डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, और ये जो लिखा हुआ ना फर्स्ट पॉइंट, ये बिल्कुल ऐसे चेप के कॉपी एंड पेस्ट करके क्वेश्चन आता है, कॉपी एंड पेस्ट करके क्वेश्चन आता है। डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन वर फाइल्ड ऑन 6 जन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वॉज इश्यूड ऑन 8 जन, ठीक है, बट द डेट मेंशन्ड ऑन द सर्टिफिकेट वॉज 6, मतलब उनको मिला 8 को था, लेकिन जिस दिन उन्होंने अप्लाई किया था उसी दिन की डेट डली हुई थी। ऑन 6 जन द कंपनी अलॉटेड सम शेयर्स टू लुईस लेवाइस, इट वॉज हेल्ड दैट अलॉटमेंट ऑफ शेयर वॉज वैलिड सिंस इन द आईज ऑफ लॉ द कंपनी वॉज फॉर्मड ऑन 6 जनवरी। ये रियालिटी है लिवाइज का, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। और इसमें क्या क्वेश्चन आता है, ये जो लिवाइज है ना, इसकी जगह पर कोई और नाम आ जाता है,
और फिर आपसे पूछा जाता है कि इज द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर वैलिड और नॉट. ठीक है, मतलब आपकी जो कंपनी है आपने 24 अगस्त को रजिस्टर करवाया, ठीक है, आपको जो इश्यू हुआ आपको मिला 26 तारीख को, आपके हाथ में मिला, लेकिन जब उसमें लिखा हुआ था 24 को, ठीक है, और आज ही के दिन आपने जो है अपने एक मतलब कि शेयर होल्डर को शेयर्स इश्यू किए थे, तो क्या वो राइट है? तो यस. लेकिन अगर मान लो उल्टा सोच के चलो, आपने 24 को अप्लाई किया, आपको 26 को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला, ये वाला जो सर्टिफिकेट है, राइट, लेकिन उसमें डेट 26 की डली हुई है, डेट किस दिन की डली हुई है? 26 की. तो क्या आज के दिन जो अलॉट किया था वो शेयर्स वैलिड है? नहीं. दीज आर द टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस. मींस अगर आज की डेट डली हुई है, दैट मींस जिस दिन हमारा बर्थ हुआ है हम उस दिन से कंपनी में वी कैन डील, लेकिन अगर बर्थ बाद में हुआ और हमने पहले डील किया तो दिस इज नॉट वैलिड. सेकेंड, अ पर्सन फोर्ज द सिग्नेचर्स, ये वाला पेपर में आया था, दो ब्रदर मतलब कि दो चाचा थे, उन्होंने जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिग्नेचर को फोर्ज कर दिया था. ऑफ अदर्स ऑन द एमओए, एमओए क्या है वो हम पढ़ेंगे. द इनकॉर्पोरेशन वॉज स्टिल कंसिडर्ड वैलिड इवन वेन अ कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड विथ इलीगल ऑब्जेक्ट्स. द बर्थ ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी क्वेश्चन इफ द रजिस्ट्रार हैज इशूड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. मतलब उन्होंने ब्राइब किया, पैसे देकर अपनी कंपनी को मतलब की किया, तो भी हम उसको जो है इलीगल साबित नहीं कर सकते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इज अ लीगल प्रोसीजर. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू, मतलब तीन चीजें होती है, तीनों ये इसमें से फर्स्ट और सेकंड जो है दे कम इन द पेपर मेनी टाइम्स. एक तरफ से आप कह सकते हो दिस इज श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन. सो इन अनदर वर्ड, रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज अ वैलिड प्रूफ कि आपकी जो कंपनी वो पैदा हो गई है, मुबारक हो आपके घर में कंपनी आ गई. अब हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ गया. नेक्स्ट, दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट वन. प्राइवेट कंपनी, हमारे पास दो तरीके के कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड. तो अब प्राइवेट कंपनी कैन इमीडिएटली कमेंस इट्स बिजनेस, वो तो इनकॉर्पोरेट था, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जो भी आपको करना है. आफ्टर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, द नेक्स्ट स्टेज फॉर द पब्लिक कंपनी इज टू रेज नेसेसरी कैपिटल. A public can raise capital from the public by issuing shares and debentures. For this, उसको क्या करना पड़ता है? उसको issue करना पड़ता है prospectus and next formalities. और ये जो formalities ये लिखी हुई है, this is only for the public limited company, not for the private companies. Private company में तो हमारे वही 200 members हैं. हमें तो सिर्फ फ्रेंड्स रिलेटिव्स इन्हीं लोगों से लेना है तो हम तो ले लेंगे, लेकिन अगर हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी है दैट मींस वी हैव टू रेज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. अभी जैसे जोमैटो ने किया था, देन नाइका ने किया था, तो दिस इज आपका, तो वी हैव टू रेज द मनी फ्रॉम द पब्लिक. उसके लिए वी हैव टू गिव द एडवर्टीजमेंट, वी हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द सेबी, we have to file the prospectus. तो हमारा जो public company का next stage पे जाएगा, private company में नहीं होगा, लेकिन publics को next पे जाना पड़ेगा. Now what are those steps? First is
यू नीड टू गेट द सेबीज अप्रूवल. What is SEBI? SEBI is Security and Exchange Board of India. In fact, ये जो SEBI है ना, इसका जो परफॉर्म, इसका जो मतलब कि ओरिजिन था, ये 1992 जो स्कैम हुआ था ना, स्कैम 1992, उसके बाद ही SEBI बनी थी. SEBI was formed after the scam 1992. दिस वॉज टू रेगुलेट कि इस मतलब कि कोई भी कंपनी जो है फोर्ज कंपनीज आ जाती हैं, लोग बिना सोचे समझे शेयर्स को बेचना खरीदना शुरू कर देते हैं. बट नाउ वॉट इज दैट कि यू हैव टू, सबसे पहले आपको क्या करना, आपको अप्रूवल लेना है, जिसमें आपको बड़े सारे अपने इंफॉर्मेशंस देने पड़ते हैं. दिस इज बिकॉज सेबी हैज बीन फॉर्म फॉर द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन. आपको सबसे पहले सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा दैट यू आर गोइंग टू रेज दिस मच ऑफ कैपिटल. और कई बार तो आपका 2 साल जो है सेबी के पास पेंडिंग रह जाता है. देन वंस सेबी हैज गिवन यू द परमिशन कि यस यू कैन रेज, आपका सेकेंड होता है फाइलिंग ऑफ द प्रॉस्पेक्टस. नाउ व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस? इट इज a very big large long document जिसमें आप अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ करते हो, लिखते हो. एंड देन यू टेल, आप जो हो उसमें बताते हो कि हाउ मच शेयर्स यू आर गोइंग टू रेज, व्हाट विल बी द लाइकली कॉस्ट ऑफ द शेयर्स, उसकी फेस वैल्यू. देन व्हाट वुड बी द यू नो डिविडेंड, मतलब कि क्या मतलब कि रहेगा शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट क्या रहेगा. एवरीथिंग इज गिवन एंड दैट इज यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलिंग. उसके बाद हम उसको एज एन एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देते हैं. अगर आपके कंपनी में प्रॉस्पेक्टस नहीं इश्यू किया है, अगर आपकी कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इश्यू नहीं किया है, तो आप उसकी जगह एक स्टेटमेंट दे सकते हो. स्टेटमेंट इन लियू ऑफ प्रॉस्पेक्टस का मतलब होता है प्रॉस्पेक्टस की जगह पर एक स्टेटमेंट इश्यू करते हो दैट द कंपनी इज रेजिंग फंड्स फ्रॉम द. सो इन सच केस इफ वी विल हैव टू फिल अ स्टेटमेंट इन लियू ऑफ प्रॉस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आपको उसके अंदर सारे इंफॉर्मेशन देने पड़ते हैं. किसने कितना शेयर लगाया है, मतलब व्हाट इज अ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, डायरेक्टर्स कौन है, एवरीथिंग. इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग बिकॉज इट कैन बी हार्मफुल टू द इन्वेस्टर्स. अब आपने प्रॉस्पेक्टस भी फाइल कर दिया, अब आपको जो है आपका जो, अगर मान लो कैसे हम लोग शेयर्स को रेज करते हैं, मान लो आई हैव टू, मेरी कंपनी है, आई हैव टू रेज द शेयर्स फ्रॉम द मार्केट. तो ऐसा थोड़ी है कि मैं जाऊंगी और मैं बोलूंगी भाई पैसा लगा दो. पहले जमाने में ऐसा ही होता था. नाउ आई विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गेट द सेबीज परमिशन. प्रॉस्पेक्टस मैं बनाऊंगी अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स, उनका कैपिटल सब कुछ लिखूंगी. उसके बाद पहले एप्लीकेशन आते हैं हमारे पास, हम सीधा शेयर्स नहीं देते हैं. We will ask the company, the public to invest in our company. अब मान लो मुझे जो है public से 10 लाख रुपए चाहिए. I want 10 लाख रुपीज and मेरी एक share की cost है 10 रुपीज. यानी कि मेरे पास जो है 10,000 shares है, मुझे 10,000 shares को बेचना है market में. ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी अपॉइंटिंग समवन एज माई बैंकर, यानी कि कोई भी एक बैंक के साथ मैं अपना टाई अप कर लूंगी और वो बैंक मेरे कंपनी के बिहाफ में एप्लीकेशंस लेगा. अब हर एक इंसान का अपना, मतलब कि हर एक इन्वेस्टर की अपनी इच्छा होती है. कोई 10 शेयर्स लेना चाहता है, कोई 100 शेयर्स लेना चाहता है, कोई 50 शेयर्स लेना चाहता है.
So they will be giving the application along with the money. मान लो मुझे 10 लाख रुपीस मतलब कि इन्वेस्ट मुझे पब्लिक से चाहिए और मेरे पास यानी कि 10 रुपए के हिसाब से यानी कि 10,000 शेयर्स है, नहीं 1 लाख शेयर्स है, सॉरी 1 लाख शेयर्स है. नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो 1 लाख शेयर्स है उसके लिए पहले मेरे पास एक बैंकर होगा एंड व्हेन आई गिव द एडवर्टाइजमेंट जो इन्वेस्टर्स होंगे वो उस बैंक के थ्रू अप्लाई करेंगे टू माई कंपनी. मैं डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ, वो जो बैंक है वो मेरे कंपनी के बिहाफ में एप्लीकेशंस लेगा. तो आई हैव टू अपॉइंट द बैंकर, ब्रोकर्स एंड अंडर राइटर्स. नाउ वॉट आर अंडर राइटर्स? अंडर राइटर्स होते हैं प्राइवेट एजेंसीज. एंड मान लो मुझे लगता है कि भाई अभी शेयर मार्केट थोड़ा हल्का चल रहा है, द पब्लिक इज नॉट इन्वेस्टिंग, तो ये जो अंडर राइटर्स होते हैं दे आर प्राइवेट इन्वेस्टर्स. ये लोग हमारे शेयर्स को, अब मैंने 10 रुपये कीमत रखी है, ये उससे कम में हमसे खरीद लेते हैं. एंड व्हेन द मार्केट इज गुड उस वक्त में दे सेल इट आउट इन द पब्लिक. तो ये जो है अंडर राइटर्स जो है इनको अपॉइंट करना इज नॉट मैंडेटरी. मैंडेटरी मतलब ये जरूरी नहीं है. हाँ बैंकर्स का अपॉइंट करना जरूरी है, बट अंडर राइटर्स मैं तभी अपॉइंट करूंगी व्हेन आई फील दैट माय कंपनी शेयर्स विल नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट इजिली. देन ओनली दे विल बी अप्लाई. मेरे को मतलब इफ मुझे पता है कि मेरी कंपनी के शेयर्स बिक जाएंगे तो मेरे को अंडर राइटर्स की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज, अब मेरे पास है 1 लाख शेयर्स एंड 10 रुपीज की मेरी एक शेयर की कीमत है, तो देयर शुड बी मिनिमम यानी कि जो कंपनी है FIP हो या FPO हो, एक आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90%. मतलब अगर मैंने 10 लाख शेयर सॉरी 1 लाख शेयर्स बेचने हैं तो मेरे पास 90,000 शेयर्स के पैसे आए होने चाहिए, देन ओनली आई एम अलाउड टू इश्यू द शेयर्स. अगर मान लो मेरे पास 85% आए, 80% आए, तो देन आई विल नॉट बी गिवन द परमिशन टू इश्यू द शेयर्स. एंड आई हैव टू रिटर्न बैक द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद इन द नेक्स्ट 10 डेज. मुझे वापस करना पड़ेगा. अगर आप में से किसी कोई जो है आईपीओ वगैरह को डील करता हो, इफ यू हैव मतलब कि यू हैव द अकाउंट, तो आप लोग देखोगे विद इन 10 डेज वी हैव टू मतलब हमारे पास पैसा वापस आ जाता है. दो मतलब एक तो है अगर उनको वो 100% नहीं मिला है, 90%, तो या फिर अगर आपको शेयर अलॉट नहीं हुआ तो इमीडिएटली दे हैव टू गिव बैक अवर एप्लीकेशन मनी. तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका होता है 90%. अब मान लो मेरे पास 90% आ गए, मेरे पास 1 लाख रुपीज मेरा था, 1 लाख शेयर्स थे एंड 90,000 शेयर्स के लिए मेरे पास मनी आ गई, तो आई विल बी गिवन द परमिशन नाउ. अब मैं क्या करूंगी? पहले तो मैं स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करूंगी कि मेरी कंपनी को अभी किसी भी ए, वो मेरी मर्जी है वेदर आई वॉन्ट टू गो फॉर BSE, वेदर आई वॉन्ट टू गो फॉर NSE, वेदर आई वॉन्ट टू गो फॉर DSE, मैं किस एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को रखना चाहती हूँ. अगर मेरी कंपनी का जो काम है वो ऑल ओवर इंडिया है तो मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाऊंगी. मेरा काम बॉम्बे की तरफ है तो मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाऊंगी एंड इफ इट इज टू दिल्ली तो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में जाऊंगी. तो आई विल बी अप्लाइंग टू द स्टॉक एक्सचेंज, आई विल गेट दैट कि मेरे जो कंपनी है नाउ आई हैव सब मेरे लोगों ने मेरे पे मतलब कि एप्लीकेशन दे दिया है, नाउ आई हैव टू अलॉट द शेयर्स. क्योंकि शेयर्स मैं अलॉट कर रही हूं, बाद में जब आपको बेचना या खरीदना तो लोग कहाँ जाके बेचेंगे?
समझ रहे हो आप लोग? अब शेयर्स मैंने अलॉट कर दिया है, आई हैव गिवन, मतलब मेरे पास जो है, अंश ने 100 शेयर्स मांगे, 10,000 शेयर्स मांगे थे, आर्यन ने 20,000 शेयर्स मांगे थे, अर्गम ने 30,000 शेयर्स मांगे थे, बाकी शेयर्स मेरे पास पैसे तो आ गए आप लोगों के, लेकिन मैं शेयर्स आपको अलॉट कर दूंगी, लेकिन कल को आप चाहते हो कि आप शेयर्स को बेचना चाहोगे, तो कहाँ बेचोगे? इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में मेरी कंपनी लिस्टेड होगी, तभी तो आप बेच सकते हो। और इसीलिए आई विल बी अप्लाइंग टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड आई विल गेट द परमिशन, मेरा जो कंपनी है वो लिस्ट हो जाएगा इन एनी ऑफ द वन स्टॉक एक्सचेंज। अब आई विल बी अलॉटिंग द शेयर्स। अब आपने मेरे से जो है 50,000 शेयर्स मांगे हैं, एक बंदे ने, और एक बंदे ने मुझसे 40,000 शेयर्स मांगे, एक ने 10,000 मांगे, एक ने 20,000 मांगे, वॉट टू डू? अब मैं ये तो नहीं कर सकती हूँ ना कि मैं 3 जनों को देख कर खत्म कर दूँ। तो वॉट आई विल डू इज, आई विल नॉट अलॉट, आपने 50,000 शेयर्स मांगे, मैं आपको शायद सिर्फ 5,000 शेयर्स अलॉट करूँ, एंड दैट जिनको नहीं हुआ है उनको रिग्रेट लेटर दूंगी, और जिनका पैसा, जिनको अलॉट नहीं हुआ उनको जो उनकी जो एप्लीकेशन मनी है उसको भी वापस दे दूंगी। इन द सेम मैनर आपने 50,000 मांगा है, मैंने आपको सिर्फ 5,000 अलॉट किया है, आपको मैंने पार्शियल अलॉटमेंट दिया है, तो जो आपका अलॉटमेंट मनी है मैं बाकी पैसा वापस कर दूं, एंड देन आई विल बी मेकिंग द लिस्ट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स, किसको कितना शेयर्स मैंने अलॉट किया है, एंड इसको भी रजिस्टर ऑफ कंपनी में मैं दूंगी अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ अलॉट। और इस तरीके से आपका जो है, इसका जो है, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज प्रोसीजर्स। अगर आप पब्लिक से पैसा नहीं ले रहे हो एंड यू वॉन्ट टू रेज इट ओनली फ्रॉम योर फ्रेंड्स, रिलेटिव और किसी और प्राइवेट कंपनी से, देन यू डोंट नीड टू इश्यू अ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस हम तभी इश्यू करते हैं व्हेन वी हैव टू डील विद द पब्लिक, मीन्स जब आप पब्लिक चाहते हो कि कॉमन पीपल हमारे जो कंपनी है उसके अंदर से शेयर्स खरीदे। सो दीज आर द 3 मेन डॉक्यूमेंट्स, MOA, AOA एंड प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लियू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ये वाले जो अभी हमने स्टेप्स किए हैं दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज MOA एंड व्हाट इज AOA? आपके पेपर में डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA आता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो गिवन इन योर NCERT। और ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस कम्स इन सम स्कूल्स, कुछ स्कूल्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है, टेबल एफ किसके लिए है, टेबल जी किसके लिए, बट 100% आता है डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA। इसमें आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है डिफरेंस, सॉरी डिफरेंशिएट बिटवीन MOA एंड AOA ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव रिलेशनशिप ऑल्टरेशन करके, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कोई केस स्टडी देकर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। नाउ व्हाट इज MOA एंड व्हाट इज AOA? MOA इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एंड कोई भी कंपनी चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, MOA के बिना जो है इट विल नॉट बी बॉर्न, इसीलिए उसको हम लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। इट डिफाइंस द पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, और वो क्या ऑपरेट कर सकता है, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस, सब कुछ। तो क्या क्या होता है उसमें, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। दिस वन, ये जो अभी हम पढ़ेंगे, फर्स्ट
नेम क्लॉज मीन्स आपकी जो कंपनी है वो, जो आपने पहले नाम लिया है, द प्रपोज नेम जो हम पहले ही ले चुके हैं, दैट वुड बी देयर। लिमिटेड अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है एंड पब्लिक लिमिटेड है तो पब्लिक लिमिटेड। देन आपका ऑफिस कहाँ रहेगा? अब प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार आपने जो है अपनी कंपनी रजिस्टर कर दिया है इन दिल्ली, लेकिन आप ऑपरेट करने वाले हो फ्रॉम सम अदर, तो आपको जो है यू हैव टू फिक्स अ डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब जो आपका ओरिजिनल एरिया है, तो यू हैव टू फिक्स कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रहेगा। आपके कहीं से भी आप ऑपरेट कर सकते हो, बट जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा दैट यू हैव टू मेंशन, कौन से स्टेट में है, कौन से सिटी में है। थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, मतलब किस पर्पस के लिए आपकी कंपनी बनी है, व्हाट विल इट टेक कैर, मतलब वो कौन सा बिजनेस कैरी करने वाली है, व्हाट आर द, मतलब कि वो इसमें बताएगा। देयर शुड इट शुड नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल, फ्रॉडुलेंट, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, व्हाट इज द एम ऑफ एस्टैब्लिशिंग योर कंपनी। देन लायबिलिटी, मतलब आपसे हर एक का क्वेश्चन का मीनिंग ही पूछा जाएगा, अगर आपको इसका मतलब पता है तो आपको दूसरे का मतलब भी पता है। मीन्स जो भी हमारी कंपनी में मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी, दैट हैज टू बी मेंशन। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द, एंड इट इज नॉर्मली लिमिटेड। लायबिलिटी हमारी उतनी होती है जितना जितने की हम शेयर्स को होल्ड करते हैं। नो कंपनी, कंपनी के अंदर सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इफ द कंपनी इज गोइंग टू बियर लॉस, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनका उतना ही पैसा डूबता है जितना उन्होंने लगाया होता है, नॉट बियॉन्ड दैट। देन द कैपिटल क्लॉस, यानी कि आपको कितना परमिशन है टू रेज द कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, आपको कंपनी से कितने, मतलब बाहर पब्लिक से हाउ मच अमाउंट यू आर ऑथराइज्ड टू रेज। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल वो नहीं है कि आपने कितना लगाया, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट। इट इज हाउ मच यू हैव बीन गिवन द परमिशन टू रेज फ्रॉम द पब्लिक। एमओए ये होता है, इट डिफाइन्स कंपनीज रिलेशन विद द आउटसाइडर, विद द इन्वेस्टर्स, विद, ये आपका नाउ एओए होता है विच इज विद इन द कंपनी। डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कैसे किया जाएगा, इट इज अबाउट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वेयर एज एमओएओए जो है वो इंटरनल है। कई बार द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी शैल बी रिस्पेक्टिव एज स्पेसिफाइड इन FGHIN J। कुछ कंपनीज में, मतलब इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या उनके पावर्स हैं। द रूल्स इन एओए आर सब्सिडायरी टू एमओए, और इसीलिए एमओए को हम ज्यादा मानते हैं, एओए को हम इतना ज्यादा नहीं मानते। मतलब एंड इट इज ऑल्सो कि पब्लिक कंपनी के लिए इट इज मैंडेटरी, नॉट फॉर प्राइवेट। नाउ एमओए स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव, एओए डिफाइन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। अगर एक एक मतलब कि डायरेक्टर की डेथ हो गई तो उसकी जगह हम कैसे लेकर आएंगे, वो छोड़कर चला गया, रिजाइन कर दिया उसने अपने पोस्ट से, तो क्या करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट, मतलब एनीथिंग जो कंपनी मैनेज करने के लिए चाहिए होता है वो। एमओए इज अ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट सबॉर्डिनेट टू कंपनी एक्ट, इट इज सब्सिडायरी एंड सबॉर्डिनेट टू बोथ एमओए एंड कंपनी एक्ट। एमओए डिफाइन्स द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी विद आउटसाइडर्स,
कंपनी क्यों फॉर्म हुई है, कंपनी का क्या सब्सक्रिप्शन है, कंपनी मतलब कि उसका नाम क्या, किस एरिया में फॉर्म हुई है। एओएस ओनली द इंटरनल बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक्ट्स परफॉर्म्ड बियॉन्ड स्कोप ऑफ एमओए आर वॉयड। अगर आपके एमओए में लिखा उससे अलग आपने कुछ किया है वो आपका लीगली नहीं माना जाएगा। वेयरस इन एओए इट कैन बी रैटिफाइड, मतलब चेंज किया जा सकता है। ऑल्टरेशन टू एमओए इज वेरी डिफिकल्ट। आपको पहले एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग लानी पड़ेगी, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंसेंट चाहिए होगा, तभी आप कर सकते हो। इट इज जस्ट लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेयर इज आर्टिकल ऑफ एओए में इजी है। लाइक हमने 58 ईयर्स रखा हुआ था अपने डायरेक्टर्स के रिटायरमेंट का, हमें चेंज करना 260 कर सकते हो। द प्रिपरेशन ऑफ एमओए इज मैंडेटरी, नो मैंडेटरी और कंपल्सरी फॉर पब्लिक लिमिटेड टू फाइल एओए, इट मे अडॉप्ट टेबल एफ, बट मोस्ट ऑफ द कंपनी एमओए एओए दोनों लेकर चलते हैं। नाउ दिस आपके पेपर में आया था, ग्रीन बे दिस के, व्हाट इज द प्रॉस्पेक्टस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज द डॉक्यूमेंट, इट इज अ लॉन्ग एडवर्टीजमेंट इन विच यू आर गोइंग टू टेल एवरीथिंग अबाउट द कंपनी सो दैट द पब्लिक इज एबल टू परचेज द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ योर कंपनी। यानी कि आपका जो है कंपनी का नाम, आपकी कंपनी क्या करने वाली है, आपकी कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स हैं, कहाँ पर आपकी कंपनी ऑपरेट कर रही है, पिछले कुछ सालों में क्या मतलब कि उसका रहा है, व्हाट विल बी द अंडर राइटर्स, कौन बैंकर्स हैं, सब कुछ। दिस इज व्हाट इज स्टेटमेंट इन लियू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। यानी कि समटाइम्स यू मे नॉट अप्रोच द पब्लिक फॉर सिक्योरिंग नेसेसरी कैपिटल, इट मे बी कॉन्फिडेंट ऑफ ऑब्टेनिंग फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेस। तो अगर आप प्राइवेट सोर्सेस से ले रहे हो तो आप प्रॉस्पेक्टस की जगह स्टेटमेंट इन लियू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, इन लियू मतलब इन स्टेड ऑफ उसकी जगह पर, इन लियू मतलब उसकी जगह पर आप उसमें बताओगे व्हाट डू यू वॉन्ट, एंड यू विल बी फाइलिंग इट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी 3 डेज बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्रॉस्पेक्टस व्हेन यू आर अप्लाइंग और व्हेन यू आर आस्किंग द पब्लिक, स्टेटमेंट इन लियू ऑफ प्रॉस्पेक्टस व्हेन यू वॉन्ट ओनली द प्राइवेट पीपल टू इन्वेस्ट। कभी कभी हम नहीं चाहते हैं कि पब्लिक पे जाए, रीजन इज एक बार अगर आपकी कंपनी पब्लिक में चली गई तो देन देर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि फिर आपका जो कंट्रोल है वो कम हो जाएगा। जितने ज्यादा आपके पब्लिक होगी उतना ज्यादा आपकी जो कंपनी है उसका कंट्रोल उनके पास जाएगा। सो दिस इज हाउ अ कंपनी इज फॉर्म्ड। यानी कि पहला इनकॉर्पोरेशन, सॉरी फर्स्ट इज प्रमोशन, सेकेंड इज इनकॉर्पोरेशन एंड थर्ड इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन। यानी कि यू हैव टू सब्सक्राइब, आपको बताना है हाउ मच सब्सक्रिप्शन यू हैव, मतलब कि आपको अलाउ किया गया है, एंड देन यू आर रेजिंग द कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम द प्राइवेट अथॉरिटीज। ये इतना लंबा जाता है आपका, मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द फीजिबिलिटी स्टडी, फिर फीजिबिलिटी स्टडी करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं, नेम सोचना पड़ता है, रजिस्ट्रार से नेम को अप्रूव करना पड़ता है, एमओए एओए ये सब कुछ आपको रखना पड़ता है, फिर आप जाते हो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास, फिर आप जो हो सेबी से परमिशन लेते हो, सेबी आपको बताती है कि कितना मैक्सिमम आप ले सकते हो फ्रॉम द पब्लिक। नाउ किसी अगर सेबी ने मुझे बोला ना तुम 10 लाख रुपए ले सकते हो, मैं पूरा 10 लाख कभी नहीं लूंगी। रीजन इज अगर मुझे 10 साल बाद फिर पैसों की जरूरत पड़ी तो, इसीलिए आई विल बी कीपिंग सम रिजर्व। तो कितना मुझे इश्यू करना है, कैसे इश्यू करना है, दिस यू विल बी स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन इश्यू द शेयर्स।
एंड इफ यू फील आपकी कंपनी का जो शेयर है वो बाहर मतलब कि लोग नहीं खरीदने वाले हैं, तो आप अंडर राइटर्स को भी जो है यू विल बी व्हाट वी कॉल एज इश्यू करो। अंडर राइटर्स होते हैं बेटा आपके ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी कंपनी के शेयर्स को अगर आपने मार्केट में कीमत 10 रुपए रखी है तो वो उसे कम में खरीद लेंगे और जब मार्केट अच्छा होता है तब वो बेच देंगे। दे आर काइंड ऑफ ब्रोकर्स बट नॉट ब्रोकर्स, क्योंकि ब्रोकर्स कमीशन खाते हैं, वो कमीशन नहीं लेते हैं, वो खरीद लेते हैं बाद में प्रॉफिट लेते हैं। नाउ लास्ट इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड आप सोल जाना चाहते हो, पर्स मतलब कि पार्टनरशिप जाना चाहते हो, या फिर आप कंपनी में जाना चाहते हो, एंड दिस इज आपके पास कितना पैसा है। इफ यू वॉन्ट ईजी यू कैन गो फॉर सोल एंड पार्टनरशिप, इफ यू आर रेडी फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, इफ यू आर रेडी टू बियर द एक्सपेंसेस देन यू कैन गो फॉर कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप आपका सबसे सस्ता है और आपका कंपनी सबसे महंगा है, सो यू हैव टू फुलफिल ऑल दोज फॉर्मेलिटीज। कॉपरेटिव के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एंड कॉपरेटिव इज डन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है यू आर रेडी फॉर द लॉन्ग लीगल प्रोसीजर, गो फॉर कंपनी। सेकेंडली लायबिलिटी, पार्टनरशिप सोल में अगर मतलब कि नुकसान होता है, क्रेडिटर्स को पैसे देने पड़ते हैं, तो यू हैव टू सेल ऑफ योर ओन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑल्सो। इन जॉइंट ओनली करता इज देयर। कॉपरेटिव में अगेन लायबिलिटी इज लिमिटेड। ऑन द अदर हैंड कंपनी में रिस्क आपका बहुत कम हो जाता है क्योंकि आपको पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं करनी है। मतलब मान लो कि एक कंपनी है वो लॉस पे चली गई तो शेयर होल्डर्स का उतना ही नुकसान होगा जितना उन्होंने शेयर्स लगाया है, या फिर अगर उन्होंने शेयर्स के पूरे पैसे नहीं दिए हैं तो दे हैव टू गिव द मतलब कि उनको जो पैसा उनको देना था वही उनको देना होगा। दे आर नॉट सपोज टू सेल देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। ऐसे तो फिर कभी कोई कंपनी रह ही नहीं सकती है। कंटिन्यूटी, सोल नहीं रहता। पार्टनरशिप में आपको दोबारा से पार्टनरशिप बनानी पड़ती है, बट इफ इट्स ए कोऑपरेटिव हो गया या फिर आप कंपनी होता है तो वो परमानेंट है। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, द कंपनी गोज फॉर एवर। अगर आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म चलाना है आपको तो आपको कंपनी लेना चाहिए। आपको लगता है यार मुझे 5-6 साल चलाना, उसके बाद आई एम गोइंग टू डू समथिंग एल्स, गो फॉर सोल। मैनेजमेंट एबिलिटी, इन कंपनी यू आर नॉट गोइंग टू मैनेज। यू मे बी अ डायरेक्टर, यू मे नॉट बी अ डायरेक्टर। वो तो आपका उस वक्त में बताएंगे कि आपको, आपके पास अगर मिनिमम आपने उतना पैसा लगाया है, उतने शेयर्स आप होल्ड कर रहे हो एंड यू वॉन्ट टू वर्क एज अ डायरेक्टर, ओनली देन यू विल बी गिवन द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। बट देर इज अ प्रॉपर मैनेजमेंट सेटअप जिसमें एक्सपर्टीज होते हैं हर फील्ड से। वेयर इज इन सोल और पार्टनरशिप you don't have the people who are having management capability। हो भी सकता है but not, जैसे for example बहुत ज्यादा partnership होती है chartered accountants की, गुप्ता एंड गुप्ता, गुप्ता एंड गुप्ता। Now both of the Guptas may be very intelligent but company एक मतलब अपनी एक organization को चलाना, उसके अंदर अपने मतलब की staff को चलाना, वो सब थोड़ा सा difficult हो जाता है। सो इफ यू वॉन्ट कि आप प्रोफेशनल तरीके से जाना चाहते हो तो यू दैट इज कंपनी इज बेस्ट, क्योंकि उसमें आपका प्रोफेशनल पीपल आर गोइंग टू हैंडल। इन सोल एनी वन, इवन अनपढ़ इंसान के पास भी अपनी दुकान होती है। कैपिटल कंसिडरेशन, इफ यू वॉन्ट पीपल टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, यू वॉन्ट बहुत सारा पैसा चाहते हो, टाइम टू टाइम आपकी कंपनी को पैसे की नीड है, कंपनी इज बेस्ट। इन पार्टनरशिप देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप लोग जो हो मिलजुल के कर रहे हो, बट फिर वही है कि सबके पास सोर्सेस कम होती हैं,
सो इफ यू वॉन्ट टू, आपको अगर लार्ज स्केल पर ऑपरेट करना है तो कंपनी इज बेस्ट, बट अगर आप एक्सपैंड नहीं करना चाहते हो, यू शुड जस्ट हैव स्मॉल वन, तो देन गो फॉर सोल। अभी मैंने आपको बताया था कि कई बार कंपनीज अपने शेयर्स को मार्केट में नहीं बेचती है। इवन अंबानी जी होल्ड 47 और 48% ऑफ द स्टेक, बाकी 53% इज विथ डिफरेंट पीपल। सो इफ यू वॉन्ट कि आपकी कंपनी में कंट्रोल आपका ज्यादा हो, तो सोल में तो आपका ही है, यू आर गोइंग टू टेक द डिसीजंस, यू आर गोइंग टू बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। पार्टनरशिप में आप कंबाइन होकर करते हो, जॉइंट हिंदू में करता ही सब कुछ करता है, वेयर इज इन कंपनी आपका कंट्रोल जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, नॉट ऑफ द पीपल। देन नेचर ऑफ बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेस है, लाइक आपका सीए का फर्म है तो आप पार्टनरशिप में जाओ, छोटा सा शॉप है, सैलन है, जिम है, जहां आपको ज्यादा मतलब कि दिमाग लगाना नहीं है तो सोल में जाओ। बट इफ यू वॉन्ट आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है, जहां पर आपका बहुत ज्यादा मतलब कि आपका जो स्कोप है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर में, यू शुड गो फॉर कंपनी। दैट मीन्स व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, ये वाला जो फैक्टर लिखा हुआ है, कंपनी में सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी मिलती है, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन सबसे कम सोल में है, ईज ऑफ फॉर्मेशन भी सोल में है, बट ओनरशिप का ट्रांसफर यानी कि अपना अपनी कुर्सी छोड़कर किसी और को देना या अपने शेयर्स को बेच देना इज ओनली पॉसिबल इन कंपनीज। मैनेजर स्किल्स कंपनीज में होती हैं, रेगुलेशंस आपके सबसे कम सोल में होता है, कंटिन्यूटी आपकी कंपनी में रहती है। ऑन द अदर हैंड कॉस्ट फॉर्मेशन कंपनी की सबसे ज्यादा, फॉर्मेशन करना उसको इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, पहले पूरा नाम करो, फिर ये करो, फिर एमओए बनाओ, एओ बनाओ, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर अगेन इन कंपनी। रेगुलेशंस फ्लेक्सिबिलिटी आपकी सबसे कम है इन कंपनीज। तो दिस डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ, आपके पास सबसे पहला चीज जो मैं बताऊंगी वो ये है कि व्हाट काइंड ऑफ मनी, हाउ मच मनी यू हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू। आपके पास आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो साथ में हैं, हाउ मच मनी आर दे गोइंग टू इन्वेस्ट, वेदर इट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट टर्म और वेदर इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म, वेदर यू आर वेल अवेयर अबाउट द कंपनी एक्ट ऑफ इंडिया, वेदर यू आर हैविंग द मनी, अगर नहीं है तो आर यू एबल टू गेट द मनी इमीडिएटली, ये सारी चीजों को देखकर हम बिजनेस को मतलब कि चूज करते हैं। एज अ क्लास 11 स्टूडेंट यू ऑल आर थॉट दिस, क्योंकि कुछ स्कूल्स के अंदर तो एक अलग से मतलब कि सब्जेक्ट भी है, आपके भी है, बट दैट विल बी ओनली पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट इन सम स्कूल्स एंटरप्रेन्योरशिप स्किल इज अ सब्जेक्ट। तो इफ यू वॉन्ट कल को आप में से, क्योंकि बिजनेस स्टडीज को पढ़ने का मतलब ही ये है, बिजनेस स्टडीज इज अ थियोरिटिकल पार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंट्स आपका प्रैक्टिकली आप डील कर रहे हो कि अगर आप कंपनी है तो कंपनी अकाउंट क्या होता है, अगर आप ट्रेडिंग में हो तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इफ यू आर इन द पार्टनरशिप तो रेशियोज क्या होती हैं, विच यू विल बी स्टडिंग इन योर 12th स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स, तो आप वो सारी चीजें पढ़ते हो अकाउंट्स में, लेकिन उसका जो थियोरी है वो है आपका बिजनेस। दैट मीन्स यू मस्ट नो कि इफ आई एम गोइंग फॉर टुमारो, इफ आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट माई मनी इन सोल प्रोप्राइटरशिप, सो वॉट काइंड ऑफ बिजनेस आई कैन डू, वॉट आर द थिंग्स आई कैन मैनेज, आपके पास कितना पैसा है, लेस है, मोर है, आप ज्यादा करना चाहते हो, स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा लेना चाहते हो, एंड देन यू कैन थिंक वाइजली। और आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के लिए गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडीज ऑल्सो, और उसके अकॉर्डिंग आप कंपनी एक्ट के अंदर लेकर आना चाहते हो, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लेकर आना चाहते हो, MSMED एक्ट के अंदर अपनी कंपनी को कंपनी की जगह आप मतलब कि छोटा सा पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप को लेकर आना चाहते हो, दैट यू कैन चूज। सो दैट इज द चैप्टर, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी।
जो आज हमने पढ़ा और परसों हमने पढ़ा एनसीईआरटी में, दैट इज चैप्टर नंबर 7. बट इन ऑल द रिफ्रेशर्स एज आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू, इट इज चैप्टर नंबर 2. बट ये साथ में ही आएंगे. तो राइट नाउ वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर हमारा पूरा हो गया और सेवेंथ भी हो गया एज पर एनसीईआरटी. जॉइंट स्टॉक कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज पब्लिक एंड प्राइवेट प्लस ओपीसी, देन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, द स्टेजेस आपके 3, राइट?